quay lòng. Rồi. Have you ever seen a hook and rope being used for anything elsewhere? मतलब have you ever seen a hook and rope? कभी तुमने हुक और रोप देखी रस्सी? Being used for anything else? जो किसी के लिए जैसे ये हुक नहीं होता है ऐसे ऊपर से एक तो आते हैं चढ़ के उसके सहारे वो उसमें तो पहाड़ पे चढ़ने की वो है इंस्ट्रूमेंट हुक ठीक है फिर पूछ रहे कभी तुमने देखी है अगर देखी है तो कहाँ जाओ भाई मम्मी तुझे अपने खाना खाने के बाद वाली दवाई लेनी थी है अगर कैमरा हिला तुझे हिला दूँ ये ऐसी की ऐसी रह रही थी ये पिक्चर पूरी पन्नी चाहिए डेढ़ घंटे की क्योंकि तू ही बैठा है वहाँ पे तेरी रिस्पांसिबिलिटी हिलना नहीं चाहिए ठीक है वीडियो बननी चाहिए पूरी गाय के ऊपर लिख के दिखाया ना चार पांच लाइन गाय क्या है काओ काओ के ऊपर लिख के दिखाओ काओ इज एनिमल इट हैज फोर लेग्स इट गिव अस मिल्क इट्स इट फॉडर चारा खाती है ना वो और इट इज कलर ब्लैक एंड व्हाइट इट्स ऑल टाइम मैथ के मैंने 1 2 3 4
फोर वाले में इसमें था मैक्सिमम क्वेश्चन करके लाया था फोर तक मैंने चैप्टर बुक लेकर आया था तीनों चैप्टर के बीबी क्वेश्चन करे थे ना आप फर्स्ट चैप्टर का पहले करेगा सी फर्स्ट चैप्टर के सी सारे क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर के सी के सारे क्वेश्चन थर्ड चैप्टर के सी के सारे क्वेश्चंस आज की डेट चलो पढ़ पढ़ के क्योंकि आई हैव आल्सो आस्क यू पूछ सकती हूँ मैं क्वेश्चन आंसर्स अभी आने दो उसको प्रिंसिया को तेरा भी YouTube चैनल है लाइक करके नहीं आते क्या नाम से तेरा तू क्या है ऐसे सब मैंने वीडियो डाली ना बर्थडे की उससे पता है मैंने दो दिन में कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए मैं 32 थे 64 हो गए लाइक्स वाइक्स हुए नहीं है इतने से तो लाइक्स है मैं चाहती लाइक्स पड़े मेरे कमेंट वॉमेंट है ना ये भी तो बचता ना सब्सक्राइब ये भी तो नहीं पता चला बस किसी किसी के आते हैं सबके नहीं आते हैं इसमें नोटिफिकेशन जो मैं सब्सक्राइब करता है ना मैं उनको भी सब्सक्राइब करती हूँ लेकिन हर किसी की नोटिफिकेशन नहीं आती मेरे पास कुछ की आती है कुछ ही लोगों की पता नहीं क्यों आती है कुछ लोगों की क्यों आती है सब क्या आनी चाहिए ना बेचारे वो कर रहे तो हम भी करें उन्हें पता नहीं चलता लाइक तो करते नहीं सब्सक्राइब करते अगर तू अच्छे वो नहीं डालेगा ना कंटेंट्स यूट्यूब तेरा चैनल बंद कर देगा अच्छी चीज़ नहीं डालेगा खराब ऐसी चीज़ डालेगा लोगों को
वैसी भड़काने वाली ऐसी चीजें होती है ना, कोई न्यूज ऐसी डालता है कि लोग देखे और फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए ना, तो यूट्यूब तुम्हारा चैनल बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा वहाँ से, और वो तुम्हारी वो वीडियो भी डिलीट कर देगा वहाँ से, और या तो कॉपीराइट भेज देगा, ये वीडियो डिलीट कर देगा, या तुम्हारा चैनल ब्लॉक कर देगा, ऐसे करेगा। यूट्यूब का काम यही होता है भाई, ऐप थोड़ा तो कुछ भी डाल दो यूट्यूब पे, लीगैलिटी नहीं चलती यूट्यूब पे कभी भी। नहीं अच्छा देखियो उसको करंट अफेयर, एक दिन का ही तो होता है, नहीं कोई वीडियो कल की करंट अफेयर मैं आज कैसे देख लूंगी, नहीं पहले की वीडियो थी नो तो कह रहा हूं नो भाई, मैंने करंट अफेयर तो देखती हूं, मुझे बोली अपने से रिलेटेड चीजें देखती हूं, करंट अफेयर्स देखती हूं, YouTube पर जो बैच होता है वैसे की जो वैसे लोग नहीं होते पॉपुलर लोग उनसे बैच मिल जाता है क्रिएटर का तो, लेकिन यार उनको नहीं मिला अभी, अभी उनके तो सब्सक्राइबर नहीं है, जैसे वो नहीं होते हैं वीडियो डाली उन्होंने, मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया में वर्किंग पीपल ही है ना, जॉब करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, यही लोग हैं ना इंडिया में, और कौन से लोग हैं
In this chapter you will learn now how these twinkly little stars, मतलब तुम देखो होगा कि जो twinkly little stars हैं उसको तो वेयर फॉर्म ये कैसे बने, तो what you will eventually also read, जो तुम पढ़ चुके हो the story of origin and evolution of the earth, इसके बारे में भी पढ़ चुके हो, अर्थ की जो evolution की story है उसके बारे में। Origin of the earth, earth का origin क्या है? Large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. So one of the earlier and popular argument was by German philosopher Immanuel Kant. The mathematician Lavoisier devised it in 1796. It is known as the nebular hypothesis. Large number of hypotheses were put forth by different philosophers. अलग अलग philosophers और scientists regarding the origin of the earth. Earth को लेके, ठीक है? तो वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गूमेंट, तो जो पहले जो पॉपुलर जो आर्गूमेंट हुआ है वाज बाय द जर्मन द्वारा फिलोसोफर इमानुएल कांट, ये जर्मन का फिलोसोफर, ठीक है। तो जो मैथमेटिशियन है लैपेल्स रिवाइज इट इन 1796, उसने इसको रिवाइज किया है। इट इज नोन एज अ नेबुलर हाइपोथीसिस, ये क्या जाना जाता है नेबुलर हाइपो The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material. जो planet बना है किससे बना है? Form of clouds. Clouds के form में से. With a youthful sun. तो which was slowly rotating, धीरे-धीरे rotate करता है. तो later in 900 Chamberlain, जो Chamberlain है and Moulton considered that a watch wandering star approached the sun. तो जो स्टार है वो अप्रोच करता है सन को, ना सन तक पहुंचने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है। एज अ रिजल्ट यार शट अप, अभी जब मैं पढ़ा रही हूं तो डोंट डिस्टर्ब मी। एज अ रिजल्ट सिगार शेप, जो सिगार नहीं होता है ऐसे ही यूं करके, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, तो एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, जो पास होता है स्टार वो आगे आगे बढ़ते हैं, तो मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, मटेरियल है वो सेपरेट होता है किससे, सोलर सरफेस से। कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन, वो कंटिन्यूली सन के चारों तरफ, एंड इट स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स, और धीरे धीरे किसमें कंडेंस होने लगता है, प्लैनेट। तो सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर बोडलैंड जेफरी सपोर्टेड दिस आर्गूमेंट, उसने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट किया। तो एट लेटर डेट बाद में क्या हुआ, आर्गुमेंट कंसीडर ऑफ अ कंपेनियन, आर्गुमेंट कंसीडर करती है किसको, कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएक्साइटिंग, दीज आर्गुमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। इस आर्गुमेंट को क्या कहते हैं, 1950 में क्या हुआ, ओटो सिचमिट्स इन रशिया एंड कार्ल विजेस्टर इन जर्मनी समवॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, तो इन्होंने रिवाइज किया है किसको, नेबुलर हाइपोथेसिस, थ्रू डिफाइनिंग किया हुआ है। दे कंसीडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जो सन है ये किसके, ये नेबुलर के थ्रू सराउंड कर रहा है, घूम रहा है, सोलर नेबुला नेबुला के थ्रू ये चारों तरफ घूम रहा है सन के। मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम, किसके किसके थ्रू, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के थ्रू, अलोंग विद व्हाट मे बी टर्म एज डस्ट होती है ना, तो द फ्रिक्शन एंड कोल्यूजन, जब वो कोल्यूजन करता है, फ्रिक्शन करता है और पार्टिकल तो लीड द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप, तो ये किस शेप में आ जाता है, डिस्क शेप। Cloud and planets were formed through the process of accretion. This cloud and the planet, जो planet है, were formed. ये form होता है through a process of accretion. किसके process से? Accretion के process से. However, scientists in later period,
साइंटिस्ट ने बाद में बताइए ये प्रॉब्लम जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन दैट जस्ट द अर्थ ऑफ द प्लैनेट. साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम, इसने ये प्रॉब्लम ली है ओरिजिन जो है ना इस प्रॉब्लम का वो यूनिवर्स के बजाय क्या है अर्थ ऑफ द प्लैनेट. जो अर्थ है ना प्लैनेट जो अर्थ प्लैनेट है ये है ओरिजिन यूनिवर्स की बजाय इस प्रॉब्लम का. ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स मॉडर्न थ्योरी, ये मॉडर्न थ्योरी है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. जो ओरिजिन है यूनिवर्स का वो क्या है, यूनिवर्स कहाँ से आया है, प्लैनेट तो है यूनिवर्स में बट यूनिवर्स कहाँ से है. The most popular argument regarding the origin of the universe is the Big Bang theory. ठीक है? ये भी तुमने देखे नहीं हैं ये वाली बुक? Big Bang theory. मैंने देखी है. Netflix पे. आज भी देख लीजिए. It is also called the expanding universe hypothesis. Edwin Hubble in 1920 provided evidence. ये क्या इसने क्या provide किया है? Evidence that the universe is expanding. The universe expand हो रहा है. As time passes, जैसे ही time जा रहा है तो galaxies move further and further apart. तो galaxy move हो रही है. ठीक है? तो you can experiment. तुम experiment कर सकते हो. Find कर सकते हो. What does the expanding universe mean? ये expanding का मतलब क्या है? तो take a balloon. Balloon लिया and mark some point. और उसमें मार्क किया है कुछ पॉइंट ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सी. गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो नाउ अब इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग, जब तुम उसको इन्फ्लेटिंग करना स्टार्ट करोगे बलून को, द पॉइंट मार्क ऑन द बलून. तो पॉइंट जब पॉइंट मार्क करोगे बलून पे तो विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एज द बलून एक्सपेंड. तो फिर बलून क्या होगा, फैलेगा. तो हाँ तो सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सी इज आल्सो फाउंड. तो ऐसे ही डिस्टेंस मिला है किसके बीच में, गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस मिला है टू इंक्रीजिंग द देयर बाय और वो बड़ा है डिस्टेंस. तो यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग. तो यूनिवर्स हमने क्या देखा है कि वो एक्सपेंड हो रहा है. तो हाउएवर यू विल फाइंड दैट, तो हमने इसको हम इसको देखेंगे बिसाइड द इंक्रीज, साथ में वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द बलून, किसके बीच में, जो बीच में जो डिस्टेंस है ना पॉइंट है उसके बीच में वो बढ़ रहा है. द पॉइंट देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग, पॉइंट खुद ही फैल रहा है. तभी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, पॉइंट जो बीच में है वो खुद फैल रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो इसीलिए ऐसे कहा है This is not in accordance with the fact. Scientists believe क्या है that through the space between, जो space है बीच में, the galaxy के is increasing, बड़ा है. Observation do not support. Observation नहीं करता support किसको, the expansion of galaxy को. Galaxy को फैलाया है उन्होंने. So the balloon example is only partially correct. जो बलून है ना वो एकदम सही है. अब देखिए पॉइंट फैल रहा है, डिस्टेंस बिग बैंग थ्योरी कंसीडर फॉलोइंग, ये पढ़ेंगे बाद में. बिग बैंग थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो रियल में भी देखिए, मैंने देखी है इसकी स्टोरी. क्या पता सर फिर ये सारे स्टार विस्तार आ जाओ भाई. ये फर्स्ट पे कहाँ पहुंच गया, पहले वो खत्म हो गई के सारे हैं. ये कौन सा तो प्रूफ दे चुका है ना, कर लिया. तो कैसे बकवास कर रहा है फिर. आगे भाग रही है, पढ़ रही है, पीछे कुछ नहीं आता. करके तो दिखा मुझे प्रूफ दैट वाला जो बोल रहा है. कहाँ
करने में ही, ये प्रूफ करने वाला तो कर ही सकते हो। मैं भी तो देखूं तुम कितना प्रूफ कर सकते हो, फिर मैं देखूंगी कहाँ गलती है, बताऊंगी फिर मैं। प्रूफ करने वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, ये वैसे नहीं आते हैं, सेम सेम अलग अलग आते हैं। इन क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो फूड है वो अपनी बुक निकाल के पढ़, लिखना होता है बस, पढ़ना नहीं होता है। क्या व्हाट एल्स कैन बी यूज इफ यू वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन, अगर माउंटेन में रिवर मिल रहा है तो हमें क्या चीज की जरूरत होती है उसको क्रॉस करने के लिए। बुक निकालो और रीड करो, आई विल टेक योर डिक्टेशन ऑल्सो इंग्लिश की। तो जो फूड है सबके लिए जरूरी है, जितने भी लोग जी रहे हैं, एनिमल हो चाहे इंसान हो। मैंने तो एक न्यूज देखी, जो पिग है ना पिग, उसी पर भी लगा दी इंसान हो। सही है वो इंसान। इंसान लोग पर पढ़ा नहीं इसके अंदर। हाँ भाई, हमने कभी इंसान के बारे में पढ़े हैं? क्या पढ़ा है इंसान के बारे में? साइंस में ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सब कोई पढ़ा? एनिमल, एनिमल के बारे में पढ़ा? एनिमल प्लांट वही इंसान तो, और मैं क्या बोल रही हूँ, एनिमल और प्लांट के बारे में नहीं पढ़ा क्या कभी? पढ़ा है ह्यूमन के अलग होते हैं, एनिमल और प्लांट ही होते हैं। तो बस एनिमल तो खैर इंसान का ही होता है, लेकिन प्लांट तो अपना होता है ना खुद का, प्लांट थोड़ी ना है हम एनिमल। एनिमल जो एनिमल होते हैं ना, तुम देखो क्या सब खाते हैं, फल फूल खाते हैं, घास फूस ये सारी चीजें खाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ज्यादा वर्कआउट वगैरह ये नहीं, और इंसान भी वो भी वही खाता है जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, सब्जी सलाद खाता है ना वही। तो फिर एनिमल इंसान में क्या डिफरेंस है, जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, घूमता नहीं है, चलता नहीं है, जो इंसान मेरे हिसाब से तो किसान होता है। वो जो मर्जी खा ले उसको लगता है शरीर को, क्योंकि वो मेहनत करता है, मजदूर होता है मेरे हिसाब से असली इंसान। आम और जो हीरो हीरो नहीं इंसान नहीं होते मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब क्या खाते हैं, सैलेड वैलेड ये चीजें। चल ये तो बहुत कम ही खाते हैं, बर्गर पिज्जा तो मीडियम क्लास के लोग खाते ज्यादातर, हाई रिच लोग कभी बर्गर वगैरह नहीं खाते, ये हमेशा खाएंगे सैलेड वेजिटेबल्स फ्रूट्स, और यही कौन खाता है? एनिमल्स, बिकॉज वो लोग मूव कम करते हैं लाइक अस। लेकिन जो एक किसान मजदूर ये मूविंग ज़्यादा करता है, तो ये प्रॉपर खाना खा सकता है। तो यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल आर कंपोनेंट ऑफ फूड, तो ये सारे मिनरल्स ये सारे वो होते हैं कंपोनेंट है फूड के, क्योंकि एक खाने के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, और मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट खाना है। इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट खाना है। अगर उस खाने के अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और सब चीज़ है, विटामिन भी है, तो ये हमारा कौन सा खाना हो जाएगा? न्यूट्रिएंट खाना, ठीक है? तो एंड आर नेसेसरी फॉर बॉडी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी इजेंटल है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? फूड। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्फ, प्लांट खुद का खाना खुद ही बनाता है, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, लेकिन एनिमल और ह्यूमन खुद अपना खाना दे गेट इट फ्रॉम प्लांट, कहाँ से लेते हैं ये? प्लांट और एनिमल से, ठीक है?
that it is plant. Thus, human and animal are directly or indirectly dependent on plants. Human directly or indirectly किस पे डिपेंड रहता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट. जो मोड जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है प्लांट पे उसका मोड क्या है? प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. ठीक है, प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद ही बनाता है बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. इनको यूज करके वो अपना खाना खुद ही. तो द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. रॉ मटेरियल उसके चारों तरफ होते हैं, उनको यूज करके वो अपना खाना. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो. जो न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर हम न्यूट्रिएंट वाला खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी बिल्ड होगी. होगी ना बॉडी बिल्ड? टू ग्रो रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. जो हमारी बॉडी के पार्ट डैमेज है वो रिपेयर होंगे. ठीक है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. और हमारी लाइफ प्रोसेस अच्छा चलता रहेगा. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. जो न्यूट्रिशन है ये मोड है खाना लेने का बाय एन ऑर्गेनिज्म. किसके द्वारा? एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और ये किसके द्वारा होता है? यूटिलाइजेशन बॉडी द्वारा. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किस ऑर्गेनिज्म में खाना बनाता है? देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक सेल्फ ट्रॉफ ये खुद का खाना खुद ही. ठीक है, तो इसलिए प्लांट को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि ये खुद का खाना जो खुद का खाना खुद बनाता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक. तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ. एनिमल एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. एनिमल और हम लोग ह्यूमन इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि गाय वगैरह भी दूध वगैरह देती है. तो इनको कहते हैं हीटोट्रॉप्स. क्या बोलते हैं? तो नाउ वी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल. प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है रॉ मटेरियल? फ्रॉम द सराउंडिंग. अपने चारों तरफ से, चारों तरफ उसके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मिट्टी मिट्टी से उसको वो मिल जाते हैं मिनरल्स. पानी उसको हम दे ही देते हैं उसका यूज करके, और सूरज की किरणें उसको मिली जाती है. तो उससे यूज करके क्या बना करता है वो? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जब वो करता है तो उससे उसका खाना. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. तो लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. लीव्स जो होती है ना पत्तियां, वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की. देयर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. सारे रॉ मटेरियल लीफ तक पहुंचते हैं. वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल. वाटर और मिनरल्स किस में होता है? सॉइल के अंदर, मिट्टी में. आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ. वो रूट उसको ऑब्जर्व करती है वाटर को और मिनरल्स को, और वो किसको ट्रांसपोर्ट कर देती है? लीव्स को. ठीक है, टू द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है वो? एयर से. थ्रो द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव. और जो छोटे 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 पोर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट? सरफेस, लीव के सरफेस पे होते हैं ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट दिखेंगे नहीं, इसको कहते स्टोमेटा. दीज आर पोर्स सराउंडेड बाय गॉड सेल. उसके चारों तरफ होता है गॉड सेल. सच एज पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा. इसको क्या कहते हैं? वो उससे दिखेंगे माइक्रोस्कोप से. लीव्स के अंदर छोटे 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 होते हैं पोर्स, उसको कहते हैं स्टोमेटा. वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. वाटर और मिनरल किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? लीव को. बाय द वेसल्स विच वेसल्स जो पत्ती पत्ती वो डंडिया उसके थ्रू वो पानी जाता है उसमें ऊपर लीव्स के पास. तो वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स रीच द लीव. दे आर कॉल्ड वेसल्स. उसे क्या कहते हैं?
यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स इन प्लांट एंड चैप्टर 11 द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट लीव्स विद ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल होता है उसे ओ सॉरी जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं क्लोरोफिल ठीक है इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी वो क्या करता है जो लीव्स होती है ना उसकी एनर्जी को ऑफ द सनलाइट से तो दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस इस एनर्जी को किसमें यूज करते हैं सिंथेसिस में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और जो खाना होता है वो कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से उसी को यूज करके फोटोसिंथेसिस होती है तो खाना बनता है उसका सिंथेसिस ऑफ फूड अक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट्स कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है प्लांट को खाना देता थोड़े से पानी देता है बस प्लांट को बाकी वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना खुद ही इसलिए तो इतना बड़ा हो जाता है प्लांट इट इज द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन जो एनर्जी देता है ना उसको उसके थ्रू खाना बनाता है वो तो ये जो सन है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब उसके बाद इतनी एनर्जी खत्म नहीं होगी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दो क्वेश्चंस लिखो पहले तो क्वेश्चंस लिखो व्हाट इज द न्यूट्रिशन चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द न्यूट्रिशन बेरी बी ई डबल आर ब ए र बेरी क्या कर रहा है इतनी देर इसको काम क्यों नहीं कर रहा मैं तो कॉपी में बंद करके बैठ गया हो गया क्या इधर तो देख रहा सब रिकॉर्ड हो रहा है उसमें नहीं बोल रहा हो नहीं रहा उससे आधे जो छूट गए करने वाले करने क्यों नहीं आ रहा वीडियो में इधर आ जा भाई थोड़ा सा तू इधर आ जा इधर लिखने व्हाट इज द न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफ्स क्वेश्चन लिखना है भाई ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफ्स में डिफरेंस बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटोट्रॉफ्स काउ इज द एनिमल इट हैज फोर लैग इट्स गिव अस मिल्क ये हमें क्या देती है इट इज वॉकिंग ऑल टाइम जाकर ये घूमती रहती है इट इज ब्लैक एंड व्हाइट कलर ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक इट इज ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो गया काव वाला चलो भाई लिखो पढ़ो इसको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स व्हाट इज द स्टोमेटा
व्हाट इज द सेल? What is the cell membrane? What is the nucleus? Nucleus. Nucleus. What is the photosynthesis? Cytoplasma. What is the photosynthesis? इनके आंसर्स करके देखो फटाफट। एनिमल COW cow is the animal। पढ़ो उसको सारा। Why do we need extra energy on mountain? हमें extra energy की क्यों जरूरत होती है mountain पर? ना भाई। यहाँ तो time जा रहा है। देते हैं तो question 5 or 6। क्यों? उसमें भी तो proof नहीं करना है। जिसमें proof नहीं करना। ये draw a figure वाला है। The Big Bang Theory considers the following stage. The Big Bang Theory is ने ये following stage consider की भी है, ठीक है? In the development of the universe, universe को develop करने के लिए. In the Big Bang, शुरू में क्या हुआ? All matter forming the universe. सारे matter ने क्या form किया? Exist in one place, एक जगह पे है. In the form of tiny ball, छोटी-छोटी balls की form में वो एक ही जगह पे रही, ठीक है? तो विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनके बीच में छोटे 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 वॉल्यूम्स आ गई, तो इनफिनाइट टेम्परेचर, जो इनका टेम्परेचर था ना इनफिनाइट था, मतलब टेम्परेचर इतना था कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा, एंड इन इनफिनाइट डेंसिटी, और जो इनकी डेंसिटी थी इनफिनाइट थी, ठीक है? जो बैंग बिग बैंग थ्योरी थी, काम नहीं करेगा आपका बिग बैंग द टाइनी बॉल, जो बिग बैंग था बेसिकली क्या थी? ये एक्सप्लोडेड वायलेंटली, ये फट गई, एक्सप्लोड हो गई, ठीक है? सो दिस लीड टू ह्यूज एक्सपेंशन, तो इनके बीच में क्या आ गया? बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ गया, फट गई नहीं है तो सारे बिखर गए इधर उधर, पहले तो छोटी छोटी बॉल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो फटी तो सारे, ठीक है? देख राइट, तो इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन इयर्स बिफोर द प्रेजेंट, मतलब आज से 1307 बिलियन पहले ही चीज हुई थी। द एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट डे, अभी भी एक्सपेंशन है कंटिन्यू, ठीक है? तो एज इट ग्रो, जैसे ये बढ़ रहा है, सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैटर, ठीक है? तो देयर वाज पार्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन, तो
एक्सपेंशन तेजी से बढ़ रहा है. तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब थोड़े से ही टाइम में, आफ्टर द बैंग, बैंग के बाद, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, स्लो डाउन, धीरे हो गया एक्सपेंशन. तो विद इन फर्स्ट 3 मिनट, 3 ही मिनट के अंदर फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट, बिग बैंग इवेंट हुआ है, द फर्स्ट ऑटम बिगेन टू फॉर्म. तो पहला ऑटम फॉर्म होना शुरू हो गया. तो विद इन 3 लाख ईयर्स, 3 लाख ईयर्स के अंदर क्या हुआ, फ्रॉम द बिग बैंग, जो बिग बैंग टेम्परेचर है ड्रॉप आउट, ये कम हो गया कितना, 4,500K केल्विन, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर. और इसने क्या दिया है हमें, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट. और यूनिवर्स क्या बन गया, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जो एक्सपेंशन हुआ है यूनिवर्स का, मीन इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, इसका मतलब जो गैलेक्सी है उनके बीच में ये पड़ा है. ठीक है, एंड अल्टरनेटिव टू दिस वॉज होयली, होयली'स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट. तो इट इज कंसीडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी एट अ प्रेजेंट फेवर आर्गुमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स. इसके ऊपर है ना आर्गुमेंट, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पे आर्गुमेंट उतरना हुआ है. तो बिग बैंग थ्योरी ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी कम, व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी. So you will understand the Big Bang theory and then you will write the in your own words. What is the Big Bang theory? Right? Write down right now in your copy. What is the Big Bang theory? I want this question of answer. Because you will write this answer in your own words. इसमें मत लिखिए, अपने खुद के वर्ड्स में लिखने इसका आंसर. मुझे समझ में जो आया है बिग बैंग थ्योरी से उसका आंसर लिख, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर. आगे भाई जल्दी से कौन आ रहा है, स्मॉल सोलर की दिवस नहीं आ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती एक्स्ट्रा एनर्जी. एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हाथ भी समझाऊंगी पहले तो दिखाओ तूने क्या है? कुछ भी लिख दो, ऊपर टाइम हो गया. मुझे तो ये बता रहे हैं 5-12 कहाँ से आया है, 12 क्या है, ये 5 क्या है, ये कहाँ लिखा है, यहाँ पे रेशियो 5:2 यहाँ पे लिखी कहाँ है, उसमें रेशियो लिखेंगे ना 1:2. फिफ्थ क्वेश्चन में रेशियो है, रेशियो दी रेशियो में वो 1:2 वो हाफ बोला भाई उन्होंने. तो ये 5:2 एल कहाँ से आ गया, 1 तो है ही नहीं इसमें, 1:2 तो है ही नहीं, ये रेशियो अपनी तरफ से लगा लेते कुछ भी, 5:12 जो मर्जी ऊपर डाल लिख दो, 9th में नहीं चलेगी ये चीजें, याद रखियो. आ रही समझ में, ऊपर डाल जो मर्जी कर दो, ये कर दो, 8 तक हो गए पास हो गए, 9th में हालत खराब है. हमने तो भैया बहुत गंदे वाले पापड़ बेले हैं पढ़ाई में, तुम्हारे सही है जो 8 तक नहीं धक्के मार के निकाल रहे हैं, हमने तो बचपन से फर्स्ट क्लास से इतनी मेहनत की है पढ़ने में, और पिटे भी खूब है, घर पे कभी मेहनत नहीं की पढ़ने में, स्कूल में किए मन पढ़ने में मेहनत मैडम के सामने, घर में तो पता नहीं कौन सी मैडम है कौन क्या है, ये जब डंडे मारती थी ना सुझा देती थी, यहाँ छुप जाते थे मेरे, यहाँ पे गाल पे चाटे हंसा भी नहीं जाता था, मेरे पहले बहुत मोटे गाल थे बहुत ज़्यादा बचपन में, तो मेरे ऐसे चाटा मारती थी वो सूज जाता था है, और हंसा भी नहीं जाता था, दर्द होता था, कान ऐसे न्यू मोड़ मोड़ के खूब पिटे हम बचपन में बहुत, स्कूल में
बहुत पिटी हूँ मैं तो डंडों से यहाँ पे छप जाती। यहाँ पे ना स्कर्ट पहनते थे हम लोग, यहाँ पे डंडे। अरे हम घूमते थे ना रास्ते में, सांप दिखते थे छपे हुए निशान। ये जो है ना ये पोर्शन, ये दर्द होते थे सूज के, इतना पिटते थे हम स्कूल में। फिफ्थ तक बहुत पिटे हैं, ये इतने दर्द, ये चीज दर्द, ये चीज दर्द। न्यू भी नहीं रखा जाता था, काम भी नहीं होता था। न्यू रख काम करते हैं ना, नहीं होता था काम, नहीं हो रहा, किसी और से करवाना पड़ता था काम। कर लेते थे काम कहाँ पे, मतलब मैडम बोल रही थी कर लो स्कूल में, नहीं घर पे। मेरे भाई बहन भी थे, ऐसे नहीं है कि तुमने तो कुछ भी पटाई नहीं खाई है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, आप तो थप्पड़ भी नहीं मार सकते हैं। लेकिन जो हम पिटे हैं ना वो याद है मुझे, हर एक पॉइंट याद है, हर एक चीज़ याद है, कब मेरे फोन पे किस बात पे कब थप्पड़ पड़ा था। एक बार तो मेरा थप्पड़ पड़ा था, मेरी यहाँ है ना इसमें घुस जाती मैडम के पैन से, यहीं लगा था पैन होता है ना, जस्ट अ फ्यू पॉइंट ऑफ गोइंग साइडवेज, दिस वे गोइंग साइड। मैडम वो मेरे यूं गया था, बहुत बाल बाल बचे थे, इतनी गंदी गंदी पिटाइयाँ खाई है ना हमने, बहुत गंदी गंदी पिटाइयाँ खाई है, बहुत गंदी गंदी छुट्टियाँ उठिया पकड़ के खोल मोल देती थी मैडम, ऐसी गंदी गंदी। मेरी नहीं सबकी, मतलब और भी लड़कियाँ होती थी सबके साथ ही बहुत पिटाइयाँ खाई। पता है एक वो था, एक लड़की पता कैसे मारा था मैडम ने डेस्क पे से, अब वो बैठे ऐसे यूँ मार तो उसको लग गया, यहाँ पे अक्की निकल रही थी उसकी गड़ गई। अरे सर नहीं निकल रहा था, वो ऐसी कैसी कंप्लेंट भी क्या, वो थी निकल रही थी उस पर भी, आप क्योंकि मेरा गुस्सा इसके थी। वो ऐसे बैठी हुई थी, मैडम ने ऐसे पीछे से मारा, वो ऐसे बैठ के काम नहीं कर रही थी। अरे वो क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी, रही थी। काम कर रही, कुछ हरकत कर रही होगी, टीचर ने हल्का सा मारा, पता है ना हल्का सा मार के ऐसे हो जाता है सर। मेरे साथ तो हुआ कितनी बार स्कूल में, हमें क्या पता टीचर पीछे से मार देगी हमें, और वो हमें देख रही है कि हम क्या हरकत कर रहे हैं, कॉपी में ड्राइंग घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रही थी वो। बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट, एक और क्या हुई थी, एक बॉल बच्चे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के क्रिकेट खेल रहे थे भाई, उन्होंने ऐसी बॉल मारी मेरे सीधा गाल पे आके लग गई। मेरे दांत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे बाल भी ऐसी थी, मेरी नर्सरी की फोटो में ऐसी हूँ सेम, ये तो बहुत ज्यादा गोर है, मैं इतनी ज्यादा गोरी नहीं थी लेकिन साफ था मेरा, लेकिन बाल मेरे ऐसे थे बॉयज वाले जैसे है ना इसके, और मेरे बाल तो वैसे बहुत सिल्की है, बाल ऐसे मोटे मोटे थे, ये बहुत गोरा है, मैं बहुत गोरी नहीं, इसकी जैसे गोरी नहीं थी मैं, इसका फेस ही गोरा है, हाथ पर तो है भी नहीं, हाथ पे कहाँ फेस की,
और मैं क्या कह रही हूँ, इसको फेस ही इतना बोरा है बस। सूरज मुझे लगता है नहीं पाउडर लगाता है, मुँह पे क्रीम लगाता है देख लो इसके अकॉर्डिंग फेस और है कितना डिफरेंस है। फेस और हाथ में, फेस नहीं लेके जाता होगा ये घर में रखता होगा फेस, हाथ पर लेके चल जाता होगा धूप में। फेस ऐसे तारे के लगते इसकी बहन भी नहीं है इतनी गोरी। इसके पापा भी मैंने देखे थे, उसके पापा अपने पापा जैसे ही सही, मतलब इसके जैसे ही है, इसके पापा कूड़े। अरे अब तो खैर ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, स्मोक वगैरह ये सब करते हैं, तो वैसे ही तो इसके जैसे अगले थोड़ा कम कम है बात। टैटू आके टैटू है उसमें आए थे इसके पापा बूढ़ी बूढ़ी हुई है। क्या है ये पिक्चर? पता नहीं कौन से उसमें थे, डांस में आए थे उसकी जो दादी आई थी ना, उसने इंटरव्यू दिया था देखे थे हमने। डांस में जो शो में आए बैकग्राउंड डांसर होंगे? नहीं शो में आए थे, पता नहीं बैकग्राउंड डांसर है कौन है। शो में आए थे उसमें फर्स्ट यानी पहले ऑडिशन ऑडिशन भी दे रहे थे, आ गए थे, सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अब इनका चलेगा 17 लोगों का चलता है, पता नहीं कितने लोगों का चलता है पूरा शो, तो वैसे आ गए थे। तो पहले उसमें ही वोट नहीं मिले थे इनको, पूरे निकल गए थे ऑडिशन में पास हो गए। दवाई दे दी थी मम्मी को? चेरी में ले ली। उसके लेने से बोलने से क्या है? ठंडा पानी पिएगी जहाँ पे बॉटल रखी होगी व्हाइट वाली, मैंने भरी थी दिन में दिख रही है। Thank you.
Done something adventurous. What?
किसी के बारे में सुना है कि कभी किसी किसके मुंह से सुना है कि वो अभी एडवेंचर खत्म कर कर आया है? दोनों गले में दर्द, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुई सर्दी जुकाम में दिमाग नहीं चलता बिल्कुल भी, मेरे कान में ना सुन सुन से हो रहा है ये वाला सुनने हो जाता जुकाम में मेरा हो रहा है ये वाला बिल्कुल मन नहीं करता, वो भी पानी ऐसा लगता है बस जुकाम रहा, जुकाम हो जाएगी ज्यादा। फरवरी में ऐसा हो जुकाम अब तो देख ले 15-20 दिन तक जाएगी। मेरे दिमाग नहीं चलता जुकाम में बिल्कुल भी। ब्रांचेस
इज प्रोड्यूस टू पॉइंट, पहले तो उसका वो बनाना है हमें डायग्राम, है ना। तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री है जिसमें एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है टू पॉइंट पी। भाई तेरे को नहीं दिखा रही, मैं पैर, मेरे पैर थोड़े से बो रहे हैं, अकड़ गए बैठे बैठे। ठीक है, तो एक्स वाई प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट पी पे, पी पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, टू ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो वाई वाई क्यू है वो बाइसेक्ट है किसको, एंगल वाई पी को। कहाँ तक आएगा तुम्हारे इसमें? फिर भी लेकिन साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इन सब में चैप्टर खुद पढ़ो। मैं तो पढ़ाती पढ़ाती हूँ एक एक लाइन, लेकिन वो तो मेरे को समझ में आएगा ना, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे ना तो लाइन समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाती हूँ, थोड़ा तुम्हें पढ़ने को देती हूँ, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। एमसीक्यू हमारे दो पेपर होते थे, सीसीई और पैसा स्कूल में, तो उसमें एमसीक्यू आते थे पहले पेपर होने से एक दिन पहले होता था। Have you ever done anything adventurous? तुम कभी किसी an adventurous पे गए हो? If yes, यदि हाँ तो tell your class, अपनी class को बताओ about it, your own words, अपने words में लिखो कहाँ पे गए हो, क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें। मैं तो कभी गया नहीं। COVID जब नहीं हो रहा ना, नहीं तो मुझे जुकाम लग गया, कहीं तुम्हें भी लगा जुकाम, तो ऐसे फैल जाती है। एक हो गया ऐसे, पर तो मेरे को तो कुछ ज्यादा ही है। नहीं मैं तो बोल दी रहा हूं, ठीक नहीं हो रही, दम रही है मेरी, क्यों मैं बदल, मेरे आवाज पे इफेक्ट पड़ता है, मेरी आवाज खराब हो जाती है। तो फ्री हो रहा कोई नहीं हुआ, मैं खा रही हूं सूप, ही सूप, सूप पियो कर रात को, हल्दी वाला पानी ठीक है। सोना कर गया ना के सोने से, तो गर्म से नहाता है, मैं गर्म से नहाई हूं खुद, पागल है जुकाम मेरे तो सर में, मेरा ना ये, मेरे को जो जुकाम होती है मेरा ना ये पूरा, मेरा कल रात को ऐसे सर दर्द हो रहा, सिर्फ कहाँ से, यहाँ यहाँ से,
बहुत जबरदस्त यहाँ यहाँ से ये जुकाम में तो नहीं होता है ना मेरे ये डाल दो भाई एक साइड का मेरा भाई राम जुकाम बहुत गंदी वाली थी मुझे रात को दिमाग नहीं चलता जुकाम में बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बन रहा एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी तो ये हमारा 64 डिग्री है राइट तो हमारा जो एंगल है जेड वाई पी सारे हो गए एंगल एक्स वाई क्यू ऑल्सो 180 तो एक्स वाई जेड कहाँ पे एस ओ सो हाँ 180 राइट तो ये हमारे पास 64 डिग्री है और ये हमें फाइंड आउट करना है तो कितना बचा 90 में से 64 माइनस करना है ना 64 माइनस करो 180 में से नहीं 56 नहीं आएगा 180 है ना ये 16 आ रहा 160 116 हां तो 116 डिग्री हमारा ये है वाई जेड पे आ राइट अब ये रिफ्लेक्स कर रहा है किसको रिफ्लेक्स कर रहा है एक्स वाई क्यू सॉरी फाइंड हमने कर लिया है जेड वाई पी ठीक है अब एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ठीक है अब ये रिफ्लेक्स कर रहा है तो 116 का हाफ ऑफ कितना होगा 54 116 का हाफ 58 ही होगा तो रिफ्लेक्स कर रहा है तो एक्स वाई क्यू हो गया हमारा 58 डिग्री आंसर क्या है इसका किसी ने तो देख लिया आंसर 6.19 122 और 302 डिग्री अभी रिफ्लेक्स कर रहे हैं ठीक है तो 58 दोनों हो गए 58 58
122 और 302 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 122 क्योंकि ये सारे एंगल्स कितने होते हैं एंगल z by p तो हमारा 6160 आ गया राइट तो ये रिफ्लेक्स कर तो रिफ्लेक्स में दोनों एंगल के हाफ हाफ हो जाएंगे 116 का हाफ कितना होता है 58 हाफ हो गया 58 राइट तो एक्स वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री तो एक्स वाई क्यू हमारे पास 80 डिग्री है जेड वाई पी 180 में से माइनस किया 58 इट विल कम इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 122 डिग्री राइट तो ऐसे ही हमारे पास आ गया है एक्स वाई क्यू भी आ गया जेड वाई पी भी आ गया एक्स वाई जेड भी है वाई क्यू वाई पी फाइंड आउट तो उसके लिए हम एक सौ बाईस और 180 302 ZYP we have 122 plus XYZ हमारे पास 60 डिग्री है 64 है ये भी निकल गया ये फाइंड कर रहा है डिग्री तो 180 प्लस 122 we have to be 300
क्यू वाई बी इज इक्वल टू 302 और 130. क्वेश्चन इट इज 6. होमवर्क राइट डाउन. चेक नहीं करना, मैंने टेस्ट लेना ना, जल्दी होगा सब चेक. भाई तुम इतनी बड़ी हो गए हो, तुम आंसर उसमें से लिख के भी सही नहीं लिख सकते, तो फिर क्या है? 11.2 6.2 विल 8 टुमारो 6 प्रीवियस. चलो भैया 1.1 प्रैक्टिस ठीक है, इसकी करनी है मुझे. यहाँ चाहिए क्वेश्चंस, उसको दिखा देती हूँ, उसको करनी प्रैक्टिस. सॉरी your best move, right? So I'll give you homework today is this. तू मुझे ना, तू मुझे कल टेस्ट दिखा देना, काओ का तेरा कल क्या होगा? 5-9 का टेस्ट, ठीक है? और हिंदी में ना गाय के ऊपर निबंध लिखा है. निबंध मतलब तो जितनी लाइन लिखी जाए ना उतनी लिख के 10 लाइन लिख के दिखा दूँ. ठीक है, 10 लाइन लिख के दिखाइए मुझे गाय के ऊपर, और घर से खुद लिख के लाएगा हिंदी में. और काव वाला जो मैंने लिख के दिया ना 5 लाइन, उसका टेस्ट होगा यहाँ पे. ये फोन पर करेगा. और क्या दूं तुझे? तेरे को दिख नहीं रहा टाइम? माय फादर पे लिख के लिख कर आएगा, माय मदर पे लिखवाया था ना मैंने तुझे, हैं? खुद लिखना है, डोंट आस्क एनीबॉडी एट योर होम, ठीक है? और रोमन काउंटिंग का मैं टेस्ट रोमन काउंटिंग का काओ का मैं टेस्ट लूंगी. रोमन काउंटिंग फर्स्ट 200 बेस्ट ऑन मंडे, ठीक है भाई? इतना टेस्ट हो गया, चलो
रखे हैं सारी, जो ये वाले होते हैं ये टेबल रोमन काउंटिंग असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्ट फॉर्म बस इन सब का क्या होगा टेस्ट विल बी टुमारो विल बी मंडे और सब चीज का ठीक है मैम और मैं यहाँ पे इंग्लिश की तो बुक्स वगैरह पढ़ाऊंगी काउ के ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं ये फिर भी ये तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत लेकिन तो सही रहना ही निकलेगी अपने हिसाब से ये तो बिल्कुल ही टफर है पता नहीं वो ही चेंज कर देगा वर्ड ही पता नहीं क्या लिखता है भाई ऐसे चाहे तो पूछ के लिखो एटलीस्ट तुम लिख तो लिखना तो सीखोगे तुम थोड़ा ना बचपन से पैदा हो पढ़ के ही पैदा हुए हो बचपन से तो हम भी नहीं हुए हम भी बहुत फुट फुट के मोटे मोटे गर्ल सूट जाते थे हमारे तब जाके हम इतना पढ़े हैं तुम तो पिटते पिट पिट पिटते भी नहीं हो बिल्कुल भी इंग्लिश में अपनी तरफ से लिख के लाई बाकी मैं बताऊंगी यहाँ पे गलत है इसको लेके जा तू पहले मैं कल उनसे कह के अकेले चली जाएगी अरे भूल गई तू जब चली कह रही थी मैं अकेले चली जाऊंगी रास्ते में कह रही थी तो तू उसको गोदी उठा के लेके जाएगा चाहिए तो मैं पैरों से ही बस तेरे को ये रखना है कि अपने खंजारी नहीं जा रही है ये बस पहुंच जाए ये नहीं कहीं किसी और गली में घुस जाए गलती से इतने तो ध्यान रख सकते हो ना अपने को स्टूडेंट्स का वो गलत रास्ते पे ना चले हम तो रखते थे अपने फ्रेंड्स का इतना ध्यान कि वो उसको पता आया नहीं तो कौन सी गली में घुसे तेरे गली के घर से गली में हम सब एक साथ जाते थे स्कूल से जाते वक्त अपने घर में बहुत सारे चल पैदल स्कूल से जब स्कूल से छुट्टी होती थी ना भीड़ हो जाती थी क्रॉस करने वाले थे लड़के जाते थे बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ मेरे फ्रेंड्स यहीं पर रहते थे आसपास ही कितना मेकअप खरीद लिया ना जाओ एकदम से मैं भेजू ना तो फिसल फिसल जाओ तुम सीढ़ियों में चप्पल को चक्कर होंगे इसलिए मैं एकदम से भेजती हूँ सबको मेरी चप्पल है ना किसी किसी की चप्पल सीढ़ी में पड़ी होती है पेड़ ही रहते फिसल भी जाते हैं मुझे ऐसे स्लिपरीज है ना सीढ़ी से उतरते वक्त लड़ाई कर रहे थे मैं तो काम में बिजी हो गई थी यही दोनों तभी मैंने इनको शिफ्ट में बुलाया अब तुम जा भाई छोटे बच्चों को पहले भी सोचिए Yeah.
ध्यान से जाना भाई, मेरी लड़ाई हो गई।